बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे मेरा वो अजीज हो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी गुजारिशात करन को पहले ये जड़ी गाली मैं सुनी है कई था नजायज परचे थी में रह गए मसेब के उत्ते और करप्शन का बाजार गर्म थी ना रह गए हवाले नाल मैं तोरी खिदमत अर्ज करा। अगर तू सब बेरा बंदा इवें ही तामुन और साथ होवे तो एक बाकिया तोरी खिदमत अर्ज करा। कोई मुसाफिर सफर करेगा भी आ उस जमाने सफर पैदल थी नया ते रस्ते दे बेच हजरत अली करमुल्ला भजो आने पाए तशरीफ की थी आने मुसाफिर ने सलाम दुआ की थी ते बला पूछा किसी फलानी जादा पंद चोखा है। आपने फरमाया मेरे को पता कहना वो सलाम दुआ करेगा वो टोर पी आप खड़े रहे उन्हीं टोर भी ठोने जेड़े अठ दा कदम वो टोर किया ता बाबा से बुलंद फरमाया कि ढाई पार का सफर है। वो बंदा भल्या है वो कह है हजरा ये हूं मैं जनाब करे पूछे जनाब फरमाए तो मैं पता कह पा हजरत अली फरमाया कि जड़ी जात है तैं पूछा वो जात मैं पता हा उनकी सिमत का भी मेरे को पता हा लेकिन तैं मेरे को पंद पूछा पंद मैं उले तई ना दस सकता जे ती मैं तेरी टोर ना दे के ना तेरी टोर डिठिए तो मेरे को अंदाजा थे ढाई पार के बेच उठा वन पहुंच सी मेरा वो तुसा इवें मेरा साथ दो मैं तो कुछ यकीन नहीं बहना थाने रूल आली दे बेच चट्टी दलाला को ढाई पार के बीच मैं खड़े मंसूर अहमद खान बाबा गुरिया नवाब रसूलुल्लाह खान दू वादे तुहाडे नाल मैं हुण करके बहना पिया इंशाल्लाह ये दो है वादे मैं पूरे करे सा वसाइल मिले सब तो पहले तुहाडे इज्तमाई काम हो से नहीं थई जेड़े कबा तू तू सा महरूम आवे ये सब तो पहले तो को मिल से और दूजा तुहाडे नाल वादा करके बहना पिया कि अगर कोई आफत आई मैं को लताड़ के आसी मैं कहवण कह रहा वेरी गुड जनाब तो दोस्तों हूँ मैं अपनी गुजारिशात के उत्ते आवा मुख्तलिफ जमात के लोग मुख्तलिफ गालियां आके करेंगे ठगिया लेने कोशिश करेंगे कि कई तरीके नाल उन्होंने वोट डॉक हो गए। कुछ जमात हैं जेडे 54 साल तो आदि पई है कि रोटी कपड़ा और मकान अस गरीबों को दे सो 54 साल है उन्होंने दिता तो कुछ नहीं लेकिन पब्लिक की छिल लहा के उन्होंने गैर मुल्क अपनी जायदाद और कारोबार बना के वो बल आए बदे अपनी उन्हें जायदाद और कारोबार को वुसत लेवन की खातिर उन्होंने को बचाए जेडे 54 साल कुछ नहीं कर सके हूँ ही कई शायद करे सके भला दूजी का खास तौर पर तुहाडे नोटिस मैं देना पिया ते इया मेरी गाली जी है घर बैठे सारी धिया बेड़ी को दसाए ये जेड़ा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम आने हर गवर्नमेंट का प्रोग्राम ये कोई लाड़काने के बिचू नहीं आता ये बिलावल नहीं देता ये जरदारी नहीं देता ये लोग ठगी लेंगे ये आदे ये असा दे पे उस अगर तुसा सारे निशान पर मोहर लाई असा तुरे ना शामिल कर गए सो तो आपको फंड ज्यादा दे रहे सो और अगर तुसा ना दिता असा कटवा दे सो मेरा वो सियासी दौर हो भावे ये होने वाला दौर हो तो कोई सियासी दौर कह नहीं निगरान दौर है लेकिन निगरान दौर के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जारी है ये खवातीन जी मुस्तहक है उन्हें को फंड गवर्नमेंट की तरफों मिलते ई ठगी दे नाम आए कि पीपल पार्टी ने निकल दूजे मेरा वो है जमात जी मुस्लिम लीग नून है ये मुस्लिम लीग नून है जिन्हें और ज्यादा दूर की गल नहीं ये हूं की गल है 16 महीने उन्होंने इकतदार रहे ई 16 महीने के इकतदार पाकिस्तान की 76 साल तारीख के
महंगाई अपने सब तो बुलंद तरीन सतह से पहुंच गई। गरीबा का कछूमर कट निकले, काश्तकार का कछूमर निकले, मजदूर का कछूमर निकले, तजारत पेशा लोगों का कछूमर निकले, दुकानदार का कछूमर निकले। ये महंगाई करण वाले आलमी मुआयदा जरा इन्होंने IMF के नाल किते ये नतीजे महंगाई आई है। और तुहाडा निगरान वजीर आजम आता पे कि मेरा कोई लाणा नेमणा नहीं, मैं तो सिर्फ इलेक्शन करा बनाया। ये पिछू के जेडे मुआयदे थे हुए जीती महंगाई है ही नहीं बदनी में मेरा कई लाणा नेमणा कह नहीं। और तुसा मेरा वो ये देख लो बिजली जी है वो तो हम 93 रुपए यूनिट मिलती पी वे 93 रुपए यूनिट वो भी ई नून आलिया का काम है, इन्होंने लीडरान का काम है जिन्होंने आलमी मुआयदा किए थे। बिजली का रेट उठा पुछाए ने, सूई गैस 300 गुना बद इन्होंने उनकी कीमत की थी है, जिता जिता सूई गैस है 300 गुना। और पेट्रोल ते डीजल ये आलमी मंडी के बेच सब तो कम तरीन सतह से है, बहु घट सतह के उत्ते डॉलर के बेच बैरल मिलते, लेकिन पाकिस्तान के बेच 350 रही है हूँ 350 और 350 के दरमियान है। 2-4 रुपए घट करे ने तब यह पासू 15-20 रुपए बधा देने, इन्हों का हिसाब ये है। इन्होंने डॉलर के रेट को बधाए, तुहाडी मुल्क की करंसी को बेबुकत किए, ये चीज़ा याद रखाए। ये जड़े आनलाइन आके अपनी ठगी करे ने इन्हों को पूछो हाँ तुहाडे कोल ही शायद कोई जवाब है, तुसा दस सकते वे कि यह काम तुसा क्यों किया और किहड़े मूंह नाल तुसा वोट गिरन आए बंदे ने, ये उन्हों को पूछण तुहाडा हक बढ़ दे। एक जमात वो है जड़ी आदि है वो तरीके लबै के वो जमात आदि है कि अगर नामोस रसालत के उत्ते और खत्मे नबूत से तुहाडा ईमान है तो भला वोट सानू दे सो, अगर वोट सानू ना दिता तुसा दौसकी वे तुसा काफिर वे। मेरा वो ई मुल्क दे विच ई मसीब दे विच तुसा देख लो कोई गैर मजहब का बंदा कह नहीं, सारे असा मुसलमान है। ये सिर्फ वोट दे एक ठगी लावण की खातिर ई किस्म की गल करे ने। फिर हदीस नबी है कि आपने फरमाया हा कि जेड़ा दीन इस्लाम को और शरा शरीयत को मनफी अंदाज विच अपने फायदे दे वास्ते चे सी वो सारे विचू कह नहीं, वो मुशरक ये वो लोग है जेड़े ठगी लावण आए खड़े। वल फिरा को खास तौर पर तुहाडी खिदमत मैं ये अर्ज करना चाहना, एक वो जमात है जेड़ी हुण जमात तां नहीं रही लेकिन उन्होंने उम्मीदवार जड़े हैं वो हल्के वोट पाते बदल वो कि खिलाफ है, वो रियासत के खिलाफ है। मेरा वो रियासत क्या है, रियासत मुल्क पाकिस्तान है। रियासत क्या है, रियासत वो है कि जै तो आपको आजादी दी हुई है कि तुसा कारोबार करो, तुसा काश्तकारी करो, तुसा मजदूरी करो, तुसा तजारत करो, सनत का काम करो, तो आपको खुली आजादी है। रियासत तो तहफुज फराम करेंदी है कि कहीं किस्म का तुहाडे उत्ते कोई बोझ आला हिसाब ना आवे, ये रियासत करके दिती है। तुहाडा दुश्मन मुल्क जेड़े हैं एक नहीं, असली दुश्मन सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, इसराइल के यहूदी भी हैं, अमरीका भी है, ये इतना दहशतगर्द भिजे ने तुहाडे कतलेआम के वास्ते, ये भिजे ने तुहाको नुकसान करन दे वास्ते ताकि तुहाको नुकसान थीवे, तुसा हमेशा उन्होंने अगो ताली आद के खड़ो। ये फेरा वो उन्होंने दहशतगर्दों के नाल लड़ते हैं, उन्हों को पकड़े दिन रात को तुसा चैन नहीं देने सुन दे वे, ये जोग्राफी आई हदू की हिफाजत करे दिन, ये अपने सीने से गोलियां खाने, ये आप शहीद थी दिन तो रात और दिन दे निंद्रा से सुख जड़े हैं वो पूछे दिन। रियासत माँ है, रियासत को मादरे वतन आ दिन, ये माँ है, माँ दे नाले सलूक करन वाले कतन कतन वोट दे हकदार कहनी। और मेरा वो मैं अर्ज करा एक चीज जहने च रखाए, ये जेड़ा हिंदुस्तान का प्रोग्राम है, जेड़ा इसराइल दे यहूदिया का प्रोग्राम है और जेड़ा खास तौर पर अमरीका का प्रोग्राम है, सारे इतना नौजवान बैठे ये हूँ गूगल के उत्ते सर्च कर रहे, अमरीका के थिंक टैंक जेड़े हैं उन्होंने पाकिस्तान के 5 टुकड़े किए हुए हैं कि असा ये 5 टुकड़े करने, अगर असा बचे हुए हैं एक अल्लाह तबारक वताला की जात ने सब बचाया हुए और दूजा रियासत ने बचाया हुए, अगर तुसा रियासत के खिलाफ चलसो तो इना मतलब है एक दुश्मन दे अजायम तुसा तकवीयत पूछे ने पेवे। इन वास्ते फिर वो इन शायद ख्याल रखा है जज्बात जनिया अपना
ये वोटा की गल है, ऐसे शख्स को वोट दो, ऐसे उम्मीदवार को वोट दो जेड़ा ये महंगाई को खट करन दा जिदे को प्रोग्राम हो, फॉर्मूला हो, प्लान हो, महंगाई को किवें खत्म कर ले, जेड़े बिजली के रेट उत्ते चले गए नहीं को किवें घट गए थे आपने, ये पेट्रोल ते डीजल को आलमी सतह के उत्ते जेड़े उन्दे पैसे हैं वो हिसाब नाल इत्थे किवें गिन के आपने, ये IMF के वायदे जेड़े हैं जेड़े सादा सत्यानाश की थी फिर इन्हां दा तोड़ केड़े तरीके नाल करने। और वाल भिरावो तो मैं एक शायद दस देवा, ये असा पिनने तो है, असा हर माली जाति अदारे दे कोल पिनने, IMF दे असा कर्जा चाहते किस्त 2026 च असा देवनी है, और खजाने पैसे कैसे एक टका कैदी खजाने दे विच, असा पैरिस क्लब तो दूजा मालियाती अदारा है वो तो कर्जा चाहते उन्हें असा किस्त भी 2026 च अदा करनी है, असा एशियन डिवेलपमेंट बैंक तो कर्जा चाहते उनकी किस्त भी असा 2026 दे विच अदा करनी है, असा दोस्त बोमाले और मुस्लिम बोमा तो पैसे चाहते अपना ये रमूज संतरन चलावण दे वास्ते उन्हां को भी पैसे असा 2026 दे विच वापस करने। ऐसा उम्मीदवार जिदे कोले हिम्मत अमली मौजूद होवे, एक मजबूत प्रोग्राम मौजूद होवे, जेड़ा असेंबली दे विच बन के जेड़ा इंटेलेक्चुअल दे नाल दानिशवरां दे नाल बह के उन्हां को वो नुस्खे दसे कि जेड़े तरीके दे नाल इन्हां तमाम चीज़ां दा हल होवे, ओ तुहाडे वोट दा हकदार है, ओ वोट दा हकदार नहीं जेड़ा तुहानू ठगी ला के वोट गिने असेंबली वज के करप्शन करे, अपनी सत पुश्तां दा सत नसलां दा ओ पैसा बढ़ावे और अपने लीडरां को उन्हां दे कारोबार को मजीद वसत देवे। तां मेरा वो ये वोट जेड़ा है ये बहुकीमती है, बहुकीमती वोट है। मैं तुहाडी खिदमत च अर्ज करे सा 8 फरवरी का जनरल इलेक्शन कहनी, 8 फरवरी का ये जिवें जनरल इलेक्शन थी हा ये जनरल इलेक्शन कहनी, 8 फरवरी बकाए पाकिस्तान का इलेक्शन ही वे पाकिस्तान को बचावने तबल उन्हें वास्ते अपना हिस्सा पाओ। और फिर वो हिस्सा किवें पावने, ये जेड़े वेले नमरूद ने भाल आई आई जेड़े वेले चीना तैयार किया हा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे वास्ते और शोले जेड़े हैं ना आसमान से गए हैं उन वेले परिंदियां दा खोल जेड़ा है भा दे बचण दे कोल उन्दी मुखालिफ सम दे विच तेजी नाल उन्होंने परवाज किया हा, जेड़े वेले वो सेफर जोन दे विच आए तो उन्हां परिंदियां ने दिखा एक छोटा जिहा परिंदा, एक छोटा जिहा परिंदा जी को असा काल कड़ीछी आदे है वो भाल ही सम दे विच बैंदा पिया हा, उको रोकिया उन्हां परिंदियां ने उथला मन सड़ वैसे मर वैसे भसम थी वैसे भाद विच उथला मन, वो कहे नहीं मैं ऊ पासे भजने मेरी चोई दे विच नू कतरे पाड़ी दे हैं मैं अपना हिस्सा पावण वेंदा पिया, मेरा वो इवें हिस्सा पाओ 8 फरवरी दे इलेक्शन दे विच ताकि ई मुल्क पाकिस्तान दी बका दी सके। मैं तुसा सारे भिरावां दा शुक्रगुजार हां, तुसा बहु मेहरबानी कीती है, तुसा इत्थे इंतजार भी कीते इत्थे अपना कीमती टाइम विच टाइम तुसा कढे और साकू ए मौका फराम कीते कि असा अपनी चंद मारूदात तुहाडी खिदमत ते पेश करो। आखिरी गल करके मैं तुहाडे कोल इजाजत दिंदा पिया, ये कौमी असैम्बली की पर्ची सादे रंग की है, सूबाई असैम्बली की पर्ची सफेद रंग की है, चिट्टे रंग की, चूंकि उम्मीदवार ज्यादा है खाने छोटे हैं, एक मेहरबानी करे सो मोहर लेने हुए आप भी ख्याल रखे सो, साड़ी धीरी बहनी को भी दसे सो मोहर जड़ी लावनी है खाने के अंदर लावनी है, निशान के उत्ते हुके के निशान से लावनी है, अगर थोड़ी जी भी उन्दी नुकर वो खाने को बार हो चली गई वोट जाया थी वैसी, ये वोट बहुत कीमती है, इन्हें पाकिस्तान ने मुस्तकबिल का फैसला करने ई मसले भरा वो मेहरबानी कराए ई चीज का डाढ़ा ख्याल रखाए। और जेड़े वेले वो पर्ची तो को मिलसी वोट दी और तो को कले कमरे के बीच भिजे से ऊ वेले कले तू सो उसो या अल्लाह तबारक व तआला दी जात उसो ऊ वेले मोर लावण को पहले एक बंद तुहारी खिदमत चार्ज करना, तू दुखां दे सारे सफर याद रखी, तू दुखां दे सारे सफर याद रखी, किवें साडी थाई बसर याद रखी, जेड़े साडी नसलां दे साह पीते रह गए उन्हां काले नांगां दे घर याद रखी, वल मोर लावण।